व्हाट्स अप गाइस, संजोत कीर हियर, वेलकम टू IFL। वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट रेसिपीज जो है मेरी, आपको पता है कि पाव भाजी है। अब मुंबई की सड़कों पर पाव भाजी भी अलग अलग किस्म की मिलती है, लेकिन जो ट्रेडिशनल तरीके की पाव भाजी, उसमें और एक किस्म की पाव भाजी मिलती है जिसे खड़ा पाव भाजी कहते हैं। अब खड़ा पाव भाजी माने क्या? जब भी कम मेहनत करनी हो आपको, मैशिंग नहीं करनी हो, ज़्यादा कटिंग चॉपिंग नहीं करनी हो, तो ये वाली पाव भाजी आप बना सकते हो। इसमें जो सब्जियां हैं वो खड़ी खड़ी रहने देते हैं, मैश नहीं करते हैं, पीसेस में कट करके ऐड करते हैं। बाकी जो मसाले हैं वो पाव भाजी के ही रहते हैं। तो ये भी काफ़ी लोगों को पसंद आती है मुंबई स्ट्रीट फूड में खड़ी पाव भाजी खाना। तो वही रेसिपी आज सबके साथ आज शेयर कर रहा हूँ। इसके लिए तैयारी थोड़ी सी अलग होती है, सिंपल तैयारी होती है कि सब्जियों को आपको बड़ा बड़ा काटना होता है। वो तैयारी कैसे की जाती है और खड़ी पाव भाजी मुंबई स्ट्रीट स्टाइल, संजोत कीर स्टाइल बनती कैसी है वो देख लेते हैं। यहाँ पर पाव भाजी के लिए मैंने कुछ इंग्रेडिएंट्स प्रेप करके रखे हुए हैं। तो आप देख सकते हो कि जो कैप्सिकम, टमाटर और उबले हुए आलू हैं, इनको मैंने ऐसे बड़े बड़े पीसेज में कट किया है। ये अगर नॉर्मल पाव भाजी बना रहे होते तो कैप्सिकम और टमाटर चॉप किए जाते और आलूओं को मैश किया जाता, तो ये एक मेजर डिफरेंस है। तो ये जो तीन सब्जियां हैं आपको इस तरीके से कट करनी है, थोड़ी बड़ी बड़ी कट करनी है, खड़ा पाव भाजी में इंपॉर्टेंट होता है। नॉर्मल पाव भाजी बना रहे होते तो छोटी छोटी चॉपिंग करनी पड़ती है और जो आलू भी है उनको मैश करना पड़ता है, तो एक मेजर डिफरेंस होता है। तो ये डिफरेंस आप नोट कर लीजिए। साथ ही में जो दूसरे इंग्रेडिएंट्स हैं सेम रहेंगे जो पाव भाजी हम ऐड करते हैं। एक पेस्ट बनाएंगे जो लाल मिर्च और गार्लिक को मिक्स करके बनाएंगे, जो हम पाव भाजी में भी ऐड करेंगे। और उसके बाद एक स्पेशल चटनी बताऊंगा, गार्लिक चटनी, जो मेरी फेवरेट है, पाव भाजी के साथ खाने में बहुत मज़ा आती है। और जो पाव भाजी मसाला है वो तो आपको पता ही है कि मैं घर पे बनाता हूँ, तो होममेड पाव भाजी मसाला यूज़ कर रहा हूँ। ये मसाला अगर आपको घर पे बनाना है तो फिर से नहीं बता रहा हूँ इस वीडियो में, लेकिन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके आप सीख सकते हो और घर पे बना सकते हो, बहुत आसान होता है बनाना। तो नेक्स्ट स्टेप ये वो पेस्ट बनानी है मिर्च और लहसुन की, और उसके बाद खड़ा पाव भाजी बनती कैसे वो देख लेते हैं। यहाँ पर 12 से 14 सोक्ड और डी सीडेड कश्मीरी लाल मिर्च ली है, इन्हें एक मिक्सर ग्राइंडिंग जार में ऐड कर दो। साथ ही में 1/3 कप छिला हुआ लहसुन ऐड कर दो, थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर दो और एक सेमी थिन इसकी आपको पेस्ट तैयार कर लेनी है। तो आप देख सकते हो मैंने इसकी पेस्ट तैयार कर ली है, कंसिस्टेंसी देख सकते हो। तो हमारी लहसुन और लाल मिर्च की पेस्ट रेडी हो गई है। तो एक बार आपने पेस्ट बना लिए तो इसके बाद आपको तवे के ऊपर पाव भाजी को बना लेना है। मैं तो हमेशा पाव भाजी तवे पर बनाता हूँ, एकदम स्ट्रीट स्टाइल। अब मैं जानता हूँ कि कई लोगों के पास ऐसा बड़ा तवा नहीं होगा घर पे, तो ये वाली पाव भाजी के लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप टोप के अंदर, कढ़ाई के अंदर भी बना सकते हो, क्योंकि इसमें हमको मैशिंग नहीं करनी है। अगर मैशिंग करनी होती है तो मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि जो भी बर्तन ले रहे हो उसका एक फ्लैट बॉटम हो, ताकि आप आसानी से मैश कर पाओ। तो इसमें मैशिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो कोई भी बर्तन में पका सकते हो। कोशिश कीजिए कि एक खुला बर्तन मिल जाए, या तवा है आपके पास, या फ्राई पैन है बड़ा, उसमें बना सकते हो, तो रिजल्ट्स थोड़े से बेटर आते हैं। तवे पे कुकिंग थोड़ी अलग तरीके से होती है, तो वो अगर आपके पास है तो कीजिए, नहीं है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी आगे देख लेते हैं आगे का प्रोसेस क्या है। तवे को अच्छे से आप गर्म कर लीजिए, फिर इसमें 1 टीस्पून तेल और 2 टेबलस्पून मक्खन ऐड कीजिए। मक्खन और तेल गर्म हो जाए तब इसमें 1/4 टीस्पून जीरा और 2 मीडियम साइज के प्याज चॉप करके ऐड कर दीजिए। प्याज को बस आपको 1-2 मिनट हाई फ्लेम पर पकाना है, बस ट्रांसलूसेंट हो जाए तब तक पकाना है, इसको बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। 1-2 मिनट प्याज को पकाने के बाद इसमें 1 शिमला मिर्च काट के ऐड कर दीजिए, 3 डाइस किए हुए टमाटर, 5 डाइस किए हुए उबले हुए आलू, 1/2 कप बॉईल किए हुए हरे मटर, 1/4 बीटरूट को यहाँ पर ग्रेट करके ऐड कर रहा हूँ, ये ऑप्शनल है, इससे कलर अच्छा आता है, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून होममेड पाव भाजी मसाला, चुटकी भर कसूरी मेथी डालनी है, टेस्ट के हिसाब से नमक, 1 चुटकी होममेड गरम मसाला और 2 हरी मिर्चियों की पेस्ट बनाकर ऐड कर दीजिए तीखेपन के लिए। ये सारी चीज़ों को आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है और 1-2 मिनट के लिए इसको अच्छे से मिक्स करते हुए पका लेना है। हरी मिर्ची इसलिए ऐड की है कि कश्मीरी मिर्च जो होती है उसमें तीखापन नहीं होता है, तो स्पाइसीनेस जो है वो आपकी हरी मिर्ची से आएगा। 1-2 मिनट के लिए स्टर करके पका लिया है, सब्जियों को ज़्यादा गलाना नहीं है। इसके अंदर फिर जो हमने पेस्ट बनाई थी मिर्च और लहसुन की, उसकी आधी पेस्ट जो है इस स्टेज पर यहाँ पर ऐड कर दीजिए। पेस्ट डालने के बाद अच्छे से आपको स्टर करना है, सारी चीज़ों को मिला लेना है, पेस्ट को अच्छे से भाजी के साथ मिला लेना है और 2 मिनट के लिए यहाँ पर आपको बस पकाना है।
दो मिनट एक बार आपने पका लिया है, उसके बाद इसमें गरम पानी डालना है। यहाँ पर लगभग 200-300 ml पानी डाला है। कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर लेना है, इस तरीके की जो है कंसिस्टेंसी आ जानी चाहिए। पानी डालने के बाद यहाँ पर आपको 4-5 मिनट के लिए इस भाजी को पकाना है स्टर करते हुए। मैशिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है, नहीं तो नॉर्मल पाव भाजी बन जाएगी। भाजियों का जो टेक्सचर है वो खड़ी रहनी चाहिए, तो ही खड़ी पाव भाजी हमारी परफेक्ट बनेगी। बस 4-5 मिनट स्टर करते हुए इस भाजी को पका लीजिए। ये थोड़ी सी और थिक हो जाएगी, अच्छे से पक जाएगी, जो पेस्ट है हमारी मिर्चियों की वो भी थोड़ी पक जाएगी और एकदम परफेक्ट खड़ी पाव भाजी बन जाएगी। तो 4-5 मिनट बाद आप देख सकते हो इसकी कंसिस्टेंसी कैसे हो गई है, एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी आ गई है। यहाँ पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से बटर ऐड कर दीजिए। बटर ऐड करने के बाद खूब सारा ताज़ा कटा हुआ धनिया और आधे नींबू का रस ऐड कर दीजिए। ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद एक बार बस आपको स्टर कर लेना है। स्टर करने के बाद टेस्ट कर लीजिए, नमक और मिर्च अगर एडजस्ट करना चाहते हो तो स्टेज पर कर दीजिए। ये आप देख सकते हो खड़ा पाव भाजी रेडी हो गई है। तो आपने देखा बहुत आसान तरीका है नॉर्मल पाव भाजी बनाने से, समय कम लगता है इसमें बनाने में क्योंकि मैशिंग वगैरह नहीं करनी है। पाव भाजी में मेन टाइम तो सब्जियों को मैश करने में लगता है, तो पाव भाजी ये वाली जो है झटपट बनानी है तो ये बना सकते हो। और इसको पाव के साथ और रोटी के साथ भी खाने में मज़ा आता है क्योंकि ये थोड़ी सब्जी के स्टाइल की बनती है। तो भाजी तो हमारी रेडी हो गई है। नेक्स्ट, अभी मैंने आपको बताया था गार्लिक चटनी, जो बहुत मज़ा आता है खाने में इस पाव भाजी के साथ या कोई भी पाव भाजी के साथ, चटनी बहुत टेस्टी बनती है। जो आधी हमारी पेस्ट बन गई थी वही पेस्ट यूज़ करके चटनी बनाने वाला हूँ। चटनी अगर नहीं बनाना चाहते हो तो स्टार्टिंग में जो पेस्ट बनाई है वो आधे क्वांटिटी की बनाई है, आधी मिर्च लीजिए आधा लहसुन लीजिए, तो चटनी बनाने के लिए आपका वो जो वेस्टेज है वो बचेगी नहीं और वेस्ट नहीं होएगा आपका सामान। तो चटनी कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। चटनी बनाने के लिए एक पैन में 2 टेबलस्पून तेल डालकर अच्छे से गर्म कर लीजिए। अब इसमें 1/4 teaspoon जीरा, बची हुई कश्मीरी लाल मिर्च और लहसुन की पेस्ट ऐड कर दीजिए, 1 teaspoon होममेड पाव भाजी मसाला, 1 चुटकी गरम मसाला, 2 हरी मिर्चियों की पेस्ट और टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर दीजिए। अब 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम पर इस चटनी को स्टर करते हुए आपको पका लेना है, या जब तक कि तेल नहीं छूट जाता है इस चटनी से तब तक चटनी को पका लीजिए। 3 से 4 मिनट बाद आप देख सकते हो तेल छूट चुका है और चटनी हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। इसमें 1 teaspoon नींबू का रस और थोड़ा सा ताज़ा कटा हुआ धनिया ऐड करके अच्छे से स्टर कर लीजिए और ये आप देख सकते हो हमारी गार्लिक चटनी रेडी हो गई है। पाव भाजी के लिए पाव गरम करने के लिए पाव ले लीजिए, पाव को बीच में से इस तरीके से कट कर लीजिए। अब एक हल्के गरम तवे पर आपको रिक्वायरमेंट के हिसाब से बटर ऐड करना है, हल्की सी गार्लिक चटनी डालिए, थोड़ा सा कटा हुआ धनिया डालिए। गार्लिक चटनी ऐड करने से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है पाव के अंदर। अच्छे से मिक्स करने के बाद बस पाव को आपको हर तरफ से अच्छे से कोट कर लेना है बटर से और अच्छे से गरम कर लेना है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर कड़क नहीं करना है, अगर कड़क पाव पसंद करते हैं तो हाई फ्लेम पर थोड़ा सा कड़क कर लीजिए पाव को, नहीं तो इस तरीके से कोट कर लिया ये आपने देखा हमारा मस्का पाव रेडी हो गया है। लेट्स प्लेट आर खड़ा पाव भाजी वाईएफएल स्टाइल। तो हमारी ये वाली पाव भाजी की जो वर्जन है वो भी बहुत ही डिलिशियस लगती है, ज़रूर ट्राई करनी है आपको घर पे। अगर आपने पहले ये वाली पाव भाजी नहीं खाई है तो ज़रूर खाइए, काफ़ी अलग लगती है नॉर्मल पाव भाजी से जो मैश्ड वाला वर्जन होता है, और इसे तंदूरी रोटी के साथ खाने में भी बहुत मज़ा आता है। तो अगर आपको पाव नहीं खाना है
बटर कम डालना है, बटर कम डालिए, पाव मत खाइए, तंदूरी रोटी के साथ खाइए, पाव भाजी वाला मज़ा आएगा आपको। तो ज़रूर ट्राई करो ये घर पे अपने रेसिपी, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आपको ये रेसिपी कैसे लगी। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू YFL इफ यू हैवंट येट। हैव एन अमेजिंग टाइम विद दिस ब्यूटीफुल पाव भाजी रेसिपी एट योर होम। चीयर्स।